राहुल जी की वजह से ही एक कांग्रेस डूबी है, जो राहुल जी की नीति गलत है। कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर थे, पुराने लीडर थे, जो जानकार थे, उनको उन्होंने दरकिनारे कर दिया, क्योंकि गांधी जी का परिवार है, गांधी जी की नीति चलेगी, गांधी जी का ही राज चलेगा। इसलिए राहुल की नीति से बड़े बड़े पुराने पुराने लीडर दरकिनारा कर दिए उन्होंने। महिला बिल्कुल सुरक्षित है, मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। महिलाओं की बात करें, महिला के साथ साथ पूरा देश सुरक्षित है। केजरीवाल राहुल है, केजरीवाल 2024 में मोदी जी जीतेंगे और हमारी जनता देवी अभी जीती है। अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो इन 8 सालों में क्या क्या काम आपको पसंद? मोदी जी का काम पसंद है हमें, बिल्कुल बहुत अच्छे है मोदी जी, देश के लिए, देश की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, और कार्य कर रहे हैं अच्छा। देखो उनको बोलने की अकल तो है नहीं राहुल जी को, और उन्हें बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या बोल रहे क्या नहीं, उसकी उसको उसको कोई भी फॉलो नहीं करता आज के दिन में। मैम क्या नाम है? मेरा नाम साहब कौर। आपको क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है? मोदी क्यों, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है? राहुल गांधी कोई काम नहीं कर रहा, उसको तो है ना भाषण भी नहीं देना आता, क्या प्रधानमंत्री बनेगा वो? नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं लोग। जोड़ो यात्रा से बेटा कोई वोट नहीं मिलता, काम करने से वोट मिलता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, हम आएंगे तो काम कर रही है, तभी तो इतनी सीट आ रही है, बीजेपी मोदी बन रहा है ना प्रधान। अच्छा, इन 8 सालों में क्या क्या काम आपको पसंद आए मोदी? मोदी के हर एक काम पसंद आए हमने। महिला सुरक्षा कैसी? महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है, कभी कहीं भी घूम सकती है लेडीज। ओबीसी जी कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा तो है ही नहीं, सब खत्म कर दिया। ना बहुत सुरक्षा है। मैम क्या नाम है? उषा। मैम आपको क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधान? मोदी बनेगा बेटा। मोदी बनेगा क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? ना मोदी बनेगा बेटा, मारी नंगा मतलब वही है। अच्छा, अगर मैं धरातल की बात करूँ तो गाँव शहरों में मोदी जी की जो सुविधाएं वो पहुँच पा रही है ठीक तरीके? हाँ, ठीक तरीके से मोदी कर रहा है जी। अच्छा, आपको राशन फ्री मिलता है? हाँ मिलता है, बिजली है, बिजली? हाँ बिजली भी है, पानी भी है, सब कम है। तो क्या लगता है मोदी जी को 2024 में कोई सरकार टक्कर दे सकती है? ना कोई नहीं दे सकती, पूरी बहुमत। हाँ मोदी रहेगा। मैम क्या नाम है? निर्मला। मैम आपको क्या लगता है 2024 में कौन जीतेगा? मोदी आएगा, मोदी आएगा। राहुल गांधी बोल रहे कि हम आएंगे? राहुल गांधी के हम नहीं कहते, हम किसी ने वो नहीं करते, पर मोदी आएगा, मोदी मोदी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है इसको कोई प्रभाव? कह लिखा रहे उसकी मर्जी है, सही है, जो यात्रा सफल हो उससे की यात्रा हो, हमारी मोदी की यात्रा सफल हो रही है, हम सफल है। वो तो हाँ, मोदी जी को ढोंगी बता। हाँ ढोंगी कैसे ढोंगी मोदी? हाँ ढोंगी केजरीवाल राहुल है, ढोंगी तो केजरीवाल। हाँ केजरीवाल। मैम क्या नाम है आपका? बोलो। मेरा राजवंती नाम है, ताजपुर कला से हूँ मैं, बख्तियारपुर। मैम आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 2024 में? मोदी जी जीतेंगे और हमारी जनता देवी अभी जीती है। अगर मैं मोदी जी की बात करूँ तो इन 8 सालों में क्या क्या काम आपको पसंद? मोदी जी का काम पसंद है हमें, बिल्कुल बहुत अच्छे है मोदी जी, देश के लिए, देश की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, और कार्य कर रहे हैं अच्छा। और हाँ राहुल गांधी कह रहे हम जिताएंगे, पक्का निश्चय बुद्धि है, हम को जिताएंगे, आप को जिताएंगे, कमल को ही। अच्छा, महिला सुरक्षा कैसी है? पहले अच्छी थी, आप बेटर? बहुत अच्छी है, और देश भी सुरक्षित है मोदी जी के उसमें, क्योंकि सेना को पूरा वो सपोर्ट कर रहे हैं, है? और तो मोदी जी ही जीतेंगे और हमारा। हाँ लेकिन वो कह रहे हैं कि जो देश की सेना है, राहुल गांधी कहते हैं बॉर्डर पर पिट रही है, कब्जा कर लिया। ये तो वे झूठ बोलते घूम रहे हैं, देखो उनको बोलने की अकल तो है नहीं राहुल जी को, और उन्हें बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या बोल रहे क्या नहीं, उसकी उसको उसको कोई भी फॉलो नहीं करता आज के दिन में। मोदी जी को कोई फॉलो नहीं कर सकता। मोदी और योगी, उत्तर प्रदेश में योगी हैं और हमारे देश में मोदी हैं, और अमित शाह भी हैं और जेपी नड्डा भी हैं, हमारे सारे मंत्री बहुत अच्छे हैं मोदी जी के, चुन चुन के ले रखे हैं मोदी जी ने सबसे अच्छे, एक एक नग एक एक हीरा मोती ले रखा है मोदी जी ने। अच्छा मैम आपका क्या नाम है? मेरा रोशनी। आपको क्या लगता है कौन जीत सकते हैं 2024? मोदी। क्यों मोदी क्यों, राहुल गांधी क्यों? बहुत अच्छा। राहुल गांधी नहीं जी। क्यों नहीं? वो भी तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हमें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मोदी जब काम कर रहे हैं तो मोदी को ही जिताएंगे। हाँ अच्छा, क्या क्या काम आपको, क्या क्या काम पसंद आए मोदी जी? मोदी जी के सारे काम पसंद आए, मोदी जी ने
270 हटाई कितने दिनों से 370 तो हटाई तक तीन तलाक का करा और तो के लिए इतना उतना करा मंदिर वो मंदिर बन राम मंदिर बनवाया तो नहीं बताओ मोदी ने कितने अच्छे काम करे हैं मोदी ने योगी ने। अच्छा आप एक महिला हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, आप तो घर संभालती हैं तो क्या महंगाई बढ़ चुकी है ऐसा आरोप लगा रहे हैं? महंगाई तो बढ़ती रहती है, जैसे तनख्वाह बढ़ती है वैसे महंगाई भी बढ़ती है। मैम आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी अगर महंगाई और देशों से तो ये देश बहुत अच्छा है, हाँ कम है महंगाई, महंगाई भी कम है और वैसे भी अच्छा सुरक्षित है। मैम क्या नाम? पुष्पा चौधरी। मैम आपको क्या लगता है 2024 में कौन जीत? 100% भाजपा जीतेगी। 100% कोई श्योर बिल्कुल लिख के ले लो। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं जीत सकते? आप बताओ किस वजह से जीते, कोई वजह होनी चाहिए ना। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जनता समर्थन दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा तो वो तो नाम के लिए निकाल रहा है, जो रोड़े हमने निकाले हैं ना भारत में, जो रोड़ों से रोड़ों को हमने जोड़ा है नितिन गडकरी जी ने, वो देखो विश्व में भी नहीं जुड़ी होंगी इतनी तेज रफ्तार से। और हमारी 7 पीढ़ियां उन रोड़ों को बढ़ते गई, उन रोड़ों पे हमें गर्व है। जब हम चलते हैं हमें लगता है हम अमेरिका कहने के लिए था, लेकिन अब हमारा देश का विकास हो रहा है चारों तरफ। हमने जोड़ दिया है, बेटा बेटा रहता है, तुम उनको यही कहना चाहते हैं? जलवा आज देखा आपने मोदी जी का जलवा, उनके जैसा जलवा तो विश्व में नहीं है। मैं महिला सुरक्षा की बात करूं तो पहले अच्छी थी, अब बेटर? अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। महिला बिल्कुल सुरक्षित है, मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। महिलाओं की बात करें, महिला के साथ साथ पूरा देश सुरक्षित है। आज हम विश्व में भी आज हमारी पहचान है, आज हमें कोई पूछता है। अच्छा आप एक महिला है घर संभालती गृहिणी है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि महंगाई जो है बहुत बढ़ चुकी है? क्या आपके हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है? नहीं कुछ नहीं होता, अब जब हमारा देश एक विकास कर रहा हो थोड़ा बहुत, अगर थोड़ी बहुत बढ़ भी जाए वो ना के बराबर होती है। करो जीडीपी से। तो क्या लगता है कि मोदी जी के अलावा कोई और भी है पार्टी जो उनको टक्कर दे सकती है? नहीं कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ओनली नंबर वन मोदी जी। अच्छा तो क्या मोदी जी इसलिए जीतेंगे कोई विपक्ष में नहीं है, या उनके सचमुच में काम ही अच्छे हैं? नहीं उनका विकास है, विकास के नाम पे जीते, विकास पे वोटिंग करेंगे। हाँ जी बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं 2024 में। मोदी जी? हाँ। राहुल गांधी? राहुल गांधी ने अच्छा काम नहीं करा है, उनकी क्षमता ही नहीं है, मोदी जी की क्षमता है। मौका दोगे तो क्षमता क्यों नहीं देखने को मिलेगी? नहीं मोदी जी आ रहे हैं सिर्फ, बस मोदी जी। लेकिन सवाल ये चाहिए ना क्षमता, कैस किस तरह की? खाली पढ़े लिखने से थोड़ी क्षमता हो जाती है, कैसी क्षमता? तो भाई साहब योगी जी जैसी क्षमता होनी चाहिए, जिन्होंने इस देश को सुधारा है इन 8-10 सालों में, कितना परिवर्तन आया है ये आप देखो, पब्लिक देख रही है, पब्लिक कोई बेवकूफ है नहीं, थोड़ा सा दूर रखो। महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ रही है लगातार, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर कुछ क्यों? हमेशा थी, क्योंकि पब्लिक इतनी है कि बेरोजगारी रहेगी इस देश में जल्दी से, बेरोजगारी भगवान भी खत्म करने में जोर लगेगा उनको भी। महंगाई का कोई है ना, महंगाई कहाँ है, है ही नहीं महंगाई, महंगाई कहाँ है। ठीक ठीक, क्या नाम हुआ सर आपका? आदित्य आर्य मेरा नाम है बेटा। 2024 की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर अगर बात करें तो अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए? सेम मोदी जी। क्यों मोदी जी को लाना चाहते? बेटा बहुत सारी जो चीज़ें आज तक हो नहीं पाई थी कांग्रेस के टाइम पर कह लीजिए, किसी भी ढंग से कह लीजिए, वो सारे के सारे उन्होंने लेके आए, सारी धाराएं सब वापस दोबारा लेके आए, एक हिंदुत्व का जो हमारा था परचम वो दोबारा लहराया बेटा उन्होंने। देश हित में काम बताइए, कुछ गिनाइए कि हाँ ये काम किया है इसलिए हम मौका देना चाहते हैं देश की। भी सारे काम तो आपकी नॉलेज में भी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो 370 की जो धारा वहाँ से कश्मीर से करा उन्होंने, उसके बाद में श्री राम मंदिर का जो फाइनल अब आ जाएगा स्टेज, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हाँ 370 की आपने बात की, 370 हटने के बाद कांग्रेस पूछती है कि फ़ायदा क्या हुआ, हमें फ़ायदा तो बताइए कुछ। बेटा फ़ायदा ये हुआ कि अब हम आराम से वहाँ पर जाते आते अपनी प्रॉपर्टी सब खरीद सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। मैं तो अभी 3 साल पहले भी वहाँ गया था तो सब लोग जिस ढंग से वहाँ पर माहौल बना हुआ तो ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं था, और आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि वो माहौल एकदम ट्रेंडी चेंज हो गया सारा का सारा बेटा, ये तो अच्छा बदलाव दिख रहा है वहाँ 370 दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। राम मंदिर से बनने के लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या रोटी मिल जाएगी, राम मंदिर बनने से लोग कहते हैं सब अपने घर में खा ही रहे हैं, चाहे नेता हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सब अपने घर में रोटी तो खाते हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था राम मंदिर का हिंदुत्व का, वो तो कायम हुआ है ना हमारे सामने बेटा, इसमें तो कोई दो राय है। गांधी आरोप लगाते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही भला हुआ है, गरीब जनता का कोई भला नहीं हुआ है,
नहीं, गरीब जनता के भले के लिए तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो जरूर होना चाहिए, नो डाउट उसमें। गैस कनेक्शंस है, पेट्रोल है, इनमें तो होना चाहिए, नो डाउट, ये तो मैं भी कहूँगा। महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? महंगाई तो बेटा महंगाई भी है, बढ़ेगी, ये तो चलती रहेगी, इसमें तो कोई है ही नहीं कि इसमें कि कोई भी बनेगा, चाहे मोदी बने चाहे कोई भी बने, महंगाई तो कभी कोई रोकेगा ही नहीं, जो मुझे लगता है सर। राहुल गांधी तो कहते हैं हम कम कर देंगे, हमें मौका दीजिए, तो पिछले 70 साल से कह ही रहे हैं, उनके परिवार में तो सब लोग कह ही रहे हैं, मेरे को तो लगता नहीं आज तक कुछ किसी चीज़ कम होगी। जो चीज़ें हुई हैं वो एक अचीवमेंट्स है, और मोदी जी के लिए वाकई में एक अचीवमेंट्स है, हमारे सब के लिए फ़ख्र की बात है कि मोदी जी जैसा हमारा एक नेता बना है, जिसके कारण कई सारे देशों में भी जैसे हमारी पहचान बनी है, बहुत अलग छाप आई है बेटा। काम के नाम पर वोट देना चाहोगे या विकल्प नहीं है इसलिए? काम के नाम पर, काम के नाम पर, हाँ काम के नाम। आपके क्या विचार हैं? एक ही सेम सेम सेम, हाँ साथ में। राहुल गांधी पे ही आते हैं दोबारा वापस, इस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उनकी, आपने देखा भी होगा, क्या लगता है आपको कोई फायदा होगा या फिर जिस तरह से जो उनके पे जन सैलाब चल रहा है? जी जी, राहुल जी की बात, राहुल जी की नीति से उनके ही परिवार के, उन्हीं के बड़े बड़े लीडर उनका साथ छोड़ कर चले गए, जैसे सब्बरवाल बहुत पुराने लीडर थे, सम्मानजनक थे, उनका जब उन्हीं के परिवार सब छोड़ के चला गया तो राहुल जी क्या करेंगे ये बताओ? राहुल जी की नीति अगर बढ़िया होती तो उन्हीं के लोग क्यों छोड़ के चले गए? सबसे बड़ी बात, सब बात छोड़ो, सबसे बड़ी बात जब उन्हीं की बढ़िया नीति थी, राहुल जी एक अकेले रह गए कांग्रेस में, और बड़े बड़े पुराने लीडर नहीं हैं, राहुल जी की वजह से ये कांग्रेस डूब गई। मतलब राहुल गांधी, राहुल जी की वजह से ही एक कांग्रेस डूबी है, जो राहुल जी की नीति गलत है। कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर थे, पुराने लीडर थे, जो जानकार थे, उनको उन्होंने दरकिनारे कर दिया, क्योंकि गांधी जी का परिवार है, गांधी जी की नीति चलेगी, गांधी जी का ही राज चलेगा, इसलिए राहुल की नीति से बड़े बड़े पुराने पुराने लीडर दरकिनारा कर दिए उन्होंने। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी का, कांग्रेस के पतन का कारण राहुल गांधी। आप भी जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, उनके पुराने लीडर साथ क्यों छोड़ गए उनका, क्योंकि उन्हीं को पूछते हैं और किसी को पूछते ही नहीं। राहुल जी आपको ध्यान हो, सबसे पहले राहुल जी आए थे किसी में नहीं थे, और उन्होंने सत्ता में उनके कागज फाड़ दिए थे, वो किसी सत्ता पे नहीं थे, क्या दम था उन पे, किस पद पे थे, उन्हें यही मालूम नहीं मैं किस कागज को फाड़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बस बाँह चढ़ा ली कुर्ते की, बोल दिया जो मनाया, बताइए आप ही बताए, आप रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, साथ रहते हैं, ये हमसे कहलवा रहे हो? उनके सब लोग सब छोड़ के चले गए, संसद में कागज फाड़ दिया, ये मर्यादा थी वो जानते हैं, और एक तरफ आंख मारते हैं मोदी जी को, और वह कहते हैं ये बात है, वही छोचोर बुद्धि की, छोचोर बुद्धि, मेरे जैसा बच्चा या मेरे छोटे परिवार का आदमी सोचूं कि मैं देश को चला लूंगा, नामुमकिन बात है। युवा हैं, कभी कभी युवा छोड़ो, युवा नहीं है, कभी कभी बात नहीं है, कभी कभी दामन नहीं है, ये कभी कभी की बात नहीं है, ये कभी कभी की बात नहीं है, वो जब भी कभी आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, हंस से कहीं आँख कहीं मारते हैं। भाषण देने में कभी कभी हो जाता है, हर नेता से गलती हो जाती है, भाषण देने में तो वो बहुत सी बात गलत करते हैं, तुम्हारे यहाँ सब रिकॉर्डिंग है, पुरानी निकाल के देखो।